हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप अपना जीमेल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर पाते हैं। तो वो अपना जीमेल अकाउंट या मोबाइल से क्रिएट करिए या फिर लैपटॉप से क्रिएट करिए, या किस तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मैं बताऊंगा कि आप कहीं से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आप जीमेल अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से, यानी कि इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं जी आई बाय टेक्निकल सौरभ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर क्रिएट जीमेल अकाउंट। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करेंगे क्रिएट जीमेल अकाउंट पे, वैसे आपके सामने ये कुछ इंटरफेस शो होके आएंगे ऐसे। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे क्रिएट योर जीमेल अकाउंट गूगल, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है दूसरे नंबर पे, इसको आपको क्लिक करना है। हाँ तो दोस्तों, ऐसे स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी। इस पर आपको डालना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो सचले हम डालते हैं फर्स्ट नेम, तो हम डालते हैं फर्स्ट नेम में आपको विकास, विकास यादव के हम नाम से बनाएंगे, तो विकास यादव के नाम से बनाते हैं। तो विकास यादव, लास्ट नेम में यादव लिखते हैं हम, सॉरी यादव, विकास यादव हो गया। यूजर नेम हम बना देते हैं विकास यादव, VIKAS, सॉरी विकास यादव, यहाँ पे यस होगा, विकास यादव हम कर देते हैं यहाँ पे कुछ अंक। तो थोड़ा डिफरेंट आप बनाइएगा तभी बन पाएगा, नहीं तो मैच नहीं करता है। तो @gmail.com यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो @ आप लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो विकास यादव 21:23:05 मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसका मैं पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड में आप लिख दीजिएगा ऐसा कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं यूज 8 or more कैरेक्टर विथ अ मिक्स लेटर ऑफ नंबर्स एंड सिम्बल्स, यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड में ऐसा लिखें कि आपका 8 कैरेक्टर का पासवर्ड हो और सब मिक्स किए हुए हो, यानी कि लेटर भी हो उसमें, अंक भी हो और उसमें कुछ कैरेक्टर भी हो, यानी कि हैच वगैरह, ये सब कर दीजिएगा। @ आप भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड भी लिख देता हूँ। तो पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ विकास, विकास 21:23:05 @ आप कर देता हूँ, विकास 212305 @ यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे आप ये सिंबल है जो आई के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा आपका पासवर्ड क्या लिखा है यहाँ पे। तो देखिए मेरा यहाँ पे शो हो रहा है विकास 212305। तो यहाँ पे कंफर्म के लिए हम फिर वही से पासवर्ड इंटर करेंगे दोबारा से। तो ठीक है, विकास 212305 @ हम एक बार इसको चेक करते हैं कि मेरा सब कुछ सही है कि नहीं। देखिए मैंने फर्स्ट नेम में विकास डाला है, लास्ट नेम में यादव डाला है। विकास यादव यहाँ पे देखिए ये स्माल से होना चाहिए, जो यूजर नेम होता है ना वो शुरुआत से ही स्माल में रहता है, तो इसको हम स्माल में कर देते हैं। ये जो है यूजर नेम, इसको हम स्माल कर दिए, विकास यादव 212305 पासवर्ड मैंने बना दिया विकास यादव। यहाँ पर देखने के लिए आप इस पर छिपा भी यहाँ से सकते हैं, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद अब हमको करना है नेक्स्ट। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने कर दिया है, उसके बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखिए वेरीफाई फ़ोन नंबर कर रहा है। अगर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी डालते हैं तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर रिकवरी ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं तो रिकवरी, यानी कि मान लीजिए आप अपने ईमेल का कुछ पासवर्ड वगैरह भूल चुके हैं, तो उसको ईमेल को किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे यहाँ पे आप डाल के उसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं ईमेल यहाँ पे नहीं डालूँगा। तो उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखिए आपका मांग रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ यानी कि आप अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल यहाँ पे दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा था इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डालूँगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है डे, यानी कि मैं एग्जाम्पल के रूप में इसको भी लिख दे रहा हूँ। मैं कुछ भी कर देता हूँ, 1 जनवरी 2000 कर देता हूँ, 1 जनवरी 2000। जेंडर में आपको सेलेक्ट करना है मेल फीमेल या जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे कस्टम है रेदर नॉन से है, तो आप यहाँ पे मेल कर देते हैं हम यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट करना है आपको, नेक्स्ट करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन देगा, प्राइवेसी एंड टर्म कंडीशन दे रहा है गूगल, यानी कि आपको आप पूरा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन बताएगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कैंसिल है और आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। आपको आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करेंगे कुछ नया आपके सामने फिर से शो होकर आएगा, नई स्क्रीन ओपन होगी, उसमें कुछ अलग सा दिखेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे हम सक्सेसफुली यहाँ पे अपना ईमेल अकाउंट बना चुके हैं और हम इसको हम लॉगिन करने के लिए फिर से अपना ईमेल और पासवर्ड गूगल अकाउंट में जाकर डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में इतना ही बात करने वाला था दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि लाइक मेरे लिए सबसे ज़्यादा माने रखता है। और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, ये नहीं है कि मेरे लिए सब्सक्राइब माने नहीं रखता है, सब कुछ माने रखता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी आपके डाउट हो, कमेंट हो, क्वेरीज हो, मुझे कमेंट में आप बताइएगा, मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊँगा। और जो भी आपके क्वेश्चन हो मुझे भी वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।